हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, एसएमसी में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का जो नया हॉस्टल मिला है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, उन इस हॉस्टल का एक मेरा जो रूम है उसका टूर कराऊँगा आपको। तो बेसिकली क्या है, ये मेरा फर्स्ट एज ए ब्लॉग कह सकते हो कि मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं अपना रूम टूर दिखा, मतलब रूम टूर करा लेता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं मेन गेट के, हमारा जो हॉस्टल है उसका मेन एंट्रेंस की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नाइट व्यू है, हमारा जो हॉस्टल है उसका नाइट व्यू देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा एंट्रेंस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डॉक्टर वीसी रॉय और पीजी हॉस्टल, क्योंकि ये पीजी हॉस्टल है। तो लेकिन यहाँ पर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एक साल के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग का हॉस्टल में एक लिफ्ट है जो फोर्थ फ्लोर तक जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा फ्रेंड है। और तो अभी चलते हैं हमारा हॉस्टल का, ये साइड में जिम रूम है, यहाँ पर जिम का कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सिर्फ खाली रूम है। हम यहाँ पर बर्थडे पार्टीज सेलिब्रेट करते हैं। ये देख सकते हैं ये है जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, और ये है पीजी हॉस्टल है। तो आप चलते हैं मेरा रूम पे। तो मेरा रूम है सेकंड फ्लोर में, और रूम नंबर है S9, और ये है S9 मेरा रूम है। और तो ये है मेरा रूम है, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहा है। तो मैंने और मेरा फ्रेंड ने इस रूम को पूरा तरीके से डेकोरेट किया, हमने यहाँ पर लाइटिंग किया है, और यहाँ पर एक और लाइटिंग है, दो लाइटिंग है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है रूम। तो मैं अभी क्या करता हूँ, लाइट स्विच ऑन करके आपको रूम का पूरा एक टूर दिखा देता हूँ। तो बेसिकली क्या है, हमारा रूम है डबल बेडेड रूम है, और यहाँ पर छोटा सा रूम है, मतलब रूम डबल बेडेड है लेकिन बहुत बड़ा है। तो ये है हमारा जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एसएमसीएच में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका रूम है। तो क्या हुआ कि इस बार एसएमसीएच में जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एक नया हॉस्टल दिया गया है, क्योंकि जो यूजी हॉस्टल में है वहाँ से इन लोग फर्स्ट ईयर को शिफ्ट कर दिया गया एक नया हॉस्टल में, पता नहीं क्यों शिफ्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटिंग लगा हुआ है, और मैं अभी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये है मेरा जो रूममेट है, इसका बेड है जो डबल बेडेड रूम है। तो एक ये मेरा रूममेट का बेड है, और ये एक फ्रेम है जो उसने लगाया है यहाँ पर। और बेसिकली क्या है, रूम में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है दिखाने के लिए, सिर्फ हमने कुछ डेकोरेशन किया है वही है। ये है एक स्टडी टेबल है, छोटा सा टेबल मेरा जो रूममेट है उसका है। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो बेड है और टेबल है वो अभी तक दिया नहीं गया है, वो कुछ दिन बाद दिया जाएगा। तो ये है मिरर, आप देख सकते हैं। और ये एक आलना है जो मैंने ख़रीदा है यहाँ आने के लिए, मतलब यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर मेरा पूरा कपड़ा लगा हुआ है। और ये है मेरा बेड, ये मेरा एक बेड है, और ये कार्टेन हमने सिलचर से विशाल से हमने ख़रीदा है, और ये भी डोर कार्टेन है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कार्टेन। अभी मतलब इतना कुछ हमने डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद हमें यूजी हॉस्टल में फिर से शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए फिर से सब कुछ हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कुछ ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, सिर्फ सिंपल रखने के लिए किया है। तो ये है हमारा वार्डरोब, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा वार्डरोब है, डबल रूम्ड वार्डरोब है। यहाँ पर ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, और इसके अंदर मेरा कुछ कपड़ा रखा हुआ है और कुछ एक्सेसरी चीज़ रखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ किताब्स और हमारा ट्रॉली रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा जो रूममेट है उसका वार्डरोब है, हम इसे ओपन नहीं करेंगे, मुझे डांटेगा। तो यहाँ पर उसका कुछ सामान रखा हुआ है। तो ये है हमारा जो सिंपल रूम है, कुछ ख़ास चीज़ नहीं है दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बैल्कनी का व्यू दिखा देते हैं, हमारा यहाँ पर एक बहुत सुंदर बैल्कनी है। तो ये देख सकते हैं बैल्कनी का व्यू है, रात में तो कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बीएससी गर्ल्स हॉस्टल है, बीएससी नर्सिंग का गर्ल्स हॉस्टल है, और ये है बीएससी नर्सिंग कॉलेज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू, तो रात में बहुत ही अच्छा व्यू नहीं आता है। और यहाँ पर हमारा हॉस्टल के पीछे है ओवल ग्राउंड है, एसएमसीएच का ग्राउंड है, जिसको हम ओवल ग्राउंड कहकर बुलाते हैं। दिन में तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है। और एसएमसीएच का ग्राउंड का पीछे एक मंदिर है, यहाँ पर ये जो है ये खाली मंदिर कहकर बुलाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा फ्रेंड का बैल्कनी है। और यहाँ तो और तो कुछ नहीं है दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं व्यू, ये व्यू अच्छा आता है, यहाँ पर लाइटिंग किया हुआ है ना, दिन में बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से। तो चलिए अब रूम पे चलते हैं। भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा रूममेट है वो पढ़ाई कर रहा है यहाँ पर। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो मेरा जो रूम है फर्स्ट ईयर के लिए एसएमसीएच में, इसके रूम टूर के लिए। तो आई होप आपको ये जो मेरा रूम है वो पसंद आया हो, और मुझे तो बहुत पसंद आया मैंने जो रूम डेकोरेट किया है, क्योंकि यहाँ इस साइड से क्या होता है कि सनलाइट बहुत ही कम आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो पूरा दिन क्या होता है रूम इतना गर्म नहीं होता है, तो समर में क्या होगा यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होगा इस रूम पर, इस साइड के रूम जितने भी है इन सभी रूम पर। तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, बाय गाइज़।